होगा, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी में है कि 8 या 9 स्टूडेंट पॉजिटिव हुए हैं। पटना में कोरोना का कहर फिर शुरू हो गया है। NMCH पटना के छात्र शुभेंदु शुभम की मौत कोरोना के कारण हो गई है। शुभेंदु MBBS के 2016 बैच के छात्र थे। बताया जा रहा कि शुभेंदु ने कुछ दिन पहले ही COVID-19 का टीका भी लिया था, लेकिन उसके बाद 24 जनवरी को सर्दी खांसी होने के बाद उन्होंने अपना RT-PCR सैंपल दिया था। उसके बाद वे अपने गांव चले गए। जब उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी तो उन्हें वहीं होम आइसोलेशन में रहने की सलाह दी गई थी, लेकिन वहीं उनके गांव बेगूसराय में ही उनकी मौत हो गई। चिंता की बात यह है कि शुभेंदु के संपर्क में रहने वाले 4 अन्य छात्र भी संक्रमित हैं। इनमें 2 का इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। NMCH में किसी मेडिकल छात्र की कोरोना से यह पहली मौत है। उसकी मौत की खबर मिलते ही कॉलेज में भी अफरा तफरी की स्थिति पैदा हो गई है। आपको बता दें कि NMCH में 9 छात्रों के पॉजिटिव पाए जाने की आशंका जताई जा रही है। 1 छात्र की मौत तथा 9 नए छात्रों के संक्रमित पाए जाने से NMCH में छात्रों, डॉक्टरों और शिक्षकों में भी दहशत का माहौल बना हुआ है। जो स्टूडेंट थे वो फाइनल ईयर के थे, उन्होंने पहला अपना वैक्सीन लिया था और उसके कुछ दिनों के बाद उनको खांसी वांसी हुआ तो उन्होंने RT-PCR टेस्ट कराया, लेकिन वो बिना रिपोर्ट का प्रतीक्षा किए हुए घर चले गए और बाद में उनको पता चला और जब उन्हें इन्फॉर्म किया गया तो वो वहीं पे कहीं भर्ती हो गए किसी अस्पताल में। हम लोगों को परसों पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट के द्वारा संज्ञान में आया कि उनका देहांत हो चुका है। पटना से अंशु भारद्वाज की रिपोर्ट, ATN Live India।